देखिए अगर आप कुछ भी कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आज लेंगे तो वो एक तो डिजिटल होता है जी। और दूसरा वो अंग्रेजी में होता है कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ट्रांसलेटेड हैं अब अगर हमें लास्ट माइल तक पहुंचना है जो कि यू नो अपने लैंग्वेज में बात करते हैं या फिर ज़्यादातर वॉइस के थ्रू करते हैं कारीगर अगर आप कोई यू नो you know, आइटम बना रहा है अपने हाथों से अगर उसको डिजिटल आना है तो उसके लिए लैंग्वेज और डिजिटल होना मतलब डिजिटली लिटरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता दिल्कल है अगर आप इमेजन ये सिचुएशन कर सकते हैं कि अगर किसी ने अपना प्रोडक्ट को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना है तो वो बोले कि भाई मेरे पास एक कारपेट है जो मैंने खुद बुना है और मैं उसको अपलोड करना चाहता हूँ और कंप्यूटर उससे बात करके बोले क्यों ना आप एक फोटोग्राफ क्लिक करिए और आप उसको अपलोड कर दीजिए तो वो फोटोग्राफ अपलोड होने के बाद तो आप उसका क्या भाव करना चाहते हैं तो बोले कि मैं सात सौ रुपये करना चाहता हूँ क्या जी, आप नेगोशिएशन के लिए ओपन है तो वो हाँ या ना बोल सके अगर इस तरह से हम प्रोडक्ट को अपलोड करने की फैसिलिटी दे सकें तो डिजिटल कॉमर्स ट्रूली डेमोक्रेटाइज होगा